कुछ तो मजा है ना, वाले क्लेपर आए सुबह। आज हमारा प्लान कैसे बना तुझे पता है? हाँ सुबह पता है, बाइक लेकर आए, पेट्रोल खत्म हो गया, अब पैदल पैदल ऊपर किले जा रहे हैं। बाइक तो नीचे खड़ी कर दी बिना पेट्रोल की बाइक अब पैदल पैदल जाने में हालत खराब हो रही है। क्या जगह है और भाई वाली है ना? 300 फीट ऊंचाई पे है ये किला, मामूली जगह नहीं है। 300 फीट ऊंचाई पे? हाँ ये देखो कितना मस्त जगह है, कन्वर्ट करके दिखाइए। ये जैनियों की मूर्ति है मेरे ख्याल से। हाँ भाई है ना, तू तो जैन है भाई, तू बता ना। 7वीं शताब्दी में ये बनाई गई थी ये मूर्तियाँ, और ये मुगलों द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। देख रहा कितना मस्त लगा, नेचुरल लगा। ये किसी ने वापस बनाई है ना? इनको रिस्टोर किया गया था बाद में तोमर राजाओं द्वारा। अच्छा हाँ, रोज सुबह सुबह लोग आ जाते हैं यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए। अच्छा हाँ, अभी हम चढ़ी चढ़ना चालू करा, 200 फीट की ऊंचाई तक तो आ चुके हैं, थक रहे हैं भाई, सांस फूल जाती है ऐसे जाहिर है भाई, इतनी ऊंचाई है। तुम देख सकते हो यार, अभी देखा पिछले तो वाले गेट से ज्यादा ऊंचाई लगती नहीं है क्योंकि स्लोप कम है, लेकिन जब तुम फ्रंट वाले गेट से आओगे ना, जो मेन किला गेट है, उसकी ऊंचाई कुछ ज्यादा लगेगी क्योंकि स्लोप ज्यादा है। महसूस करनी है, देखो वीडियो देखो, चढ़ के आ गए फाइनली हम किले पर। ऊंचाई देखो यार तुम। यह सिंधिया स्कूल, सिंधिया स्कूल 1897 में फाउंडेड किया गया था सिंधियंस द्वारा। ये स्कूल वर्ल्ड के टॉप स्कूल्स में आता है आज भी। यहाँ पर टोटल बोर्डिंग स्कूलिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा फीस भी है। फीस भी ज़्यादा होगी? हाँ फीस ज़्यादा है इधर भी। यहाँ पर सलमान खान और कई सारे लोग पढ़े हुए हैं। सलमान खान यहाँ पे पढ़ा है? हाँ बिल्कुल, पक्की बात, 100% ट्रू। पूछ लियो तो उनसे, तुझे आगे का रास्ता पता है? हाँ चप्पा, तो हम इधर से क्यों जा रहे, पीछे से क्यों नहीं जा रहे? देखो पीछे तुम बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग हाँ। पीछे दिखाई दे रही है ये सारी बिल्डिंग, ये है ना सिंधिया स्कूल के जूनियर हॉस्टल्स हैं, जिनमें जूनियर यानी कि 6 से लेके 9 तक के बच्चे रहते हैं। देख रहे हो कितना आलीशान हॉस्टल्स हैं, 7 लाख फीस लेते हैं लोग। तो देखो ग्वालियर, ओ भाई ये है और भाई वैली, मारो मुझे मारो देखो देखो पीछे तो देखो, अरे नेचर को दिखा भाई पीछे तो देखो, देखो इधर देखो, इधर तो देखो, देखो भाई ये देखिए ये रास्ता है, यहाँ से ऊपर लोग आते हैं, यहाँ 300 फीट ऊपर चढ़कर आए हैं, लग रहा है भाई दिख रहा है। पर सुसाइड करने के लिए भाई हिम्मत बहुत चाहिए, यहाँ से फट जाएगी क्यों? आपका हारमोनियम बज जाएगा। हारमोनियम बजाते थे है? नहीं अब हारमोनियम खाते थे गजब का था सुसाइड पॉइंट जो कहो। यहाँ के फुल के वीडियो हो गया अपना, अपन ने टिकट ही नहीं ली, हमारा अनप्लान्ड हो गया ये तो। नहीं सही में हम सोच रहे तेली के मंदिर पे मिल जाएगी टिकट, बट मिली नहीं। वो कह रही सिर्फ एक ही टिकट हर जगह चलता है जो हमें मानसिंह के मैट पे मिलता है, ठीक है ठीक। और अब हमको घूम के जाना पड़ रहा है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। हाँ पूरा 3.5 किलोमीटर मुझे किला फैला हुआ है, अंडरस्टैंड, 3.5 किलोमीटर भाई अपने को पैदल जाना पड़ेगा पूरा मानसिंह का महल, फिर वीडियो शूट करनी पड़ेगी। हाँ। तो फिर तब तक तो धूप भी अच्छी निकल जाएगी मेरे ख्याल से, और चलते हैं। आप देख सकते हो कि बिल्कुल मनाली वाला मौसम हो रखा है, बाल भी उड़ रहे हैं। ऊपर भी देखोगे तुम लोग खड़े दिखाई देंगे। ये वही गेट है, ये मेन किला गेट है ये वाला, तुमने ज्यादातर लक्ष्मीबाई की मूवी में या पान सिंह तोमर में देखी होगी, लुका छुपी में भी देखा होगा। और भाई पहले चलते चलते थक गए, पर यहाँ आके थकावट मिट गई क्यों जब अब तुम देखो यार नज़ारा, देखो तुम नीचे का नज़ारा देखो भाई क्या लग रहा है, पूरा ग्वालियर दिख रहा है, एक तरफ का ग्वालियर दिख रहा है, मतलब पीछे का तुम्हें पहले दिखा चुका हूँ, ये फ्रंट का ग्वालियर है मेरे पीछे पूरा ग्वालियर। चतुर्भुज मंदिर है लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फोकस करके दिखा। 0 फिगर जो पहली बार ग्वालियर में यूज हुई थी, जो कह सकते हो कि उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में जो लिखा था वो इसी मंदिर में लिखा हुआ। ये देखो ये टेम्पल है, चतुर्भुज टेम्पल वॉज डेडिकेटेड टू विष्णु भगवान जी, और यहाँ पर जो भी क्रिप्टोग्राफी की गई है, जो भी पजल सॉल्विंग की समझाया गया है, वो हमारे समझ से बाहर है, वो आर्कियोलॉजी से तो आपको समझा सकते हैं। तो आप थोड़ा अंदर का तो डिप्लीट तुम चेहरे देख रहे होगे ना, यहाँ के चेहरे देख रहे होगे ना, ये सब डिप्लीशन हो चुका है पानी के बाफ के कारण, पानी बहता है ये जब काला काला दिख रहा है तुम्हें, पानी के बहने के कारण है।
हमारा एक मानसिंह पैलेस ग्वालियर के किले का सबसे ज्यादा शानदार जगह है। इसी के जस्ट नीचे भूलभुलैया है, जहाँ पर मुगल लोग अपने कैदियों को रखते थे मारने के लिए। और ये बेसिकली है ना, सन 1400 के बाद जेल की तरह यूज की गई थी औरंगजेब शाहजहां के द्वारा। यहाँ पर जो बंदे दिखाई दे रहे हैं ना, उनपे है ना कैदियों को लगा के फांसी देते थे, मार देते थे, शुरू कर देते थे। रानी को कॉल करने के लिए बनाया गया था। इधर से अगर आवाज लगाई जाएगी ना, उसी रूम में जाएगी थी आवाज। हम भी हंस तक देंगे नीचे, वही इतना नीचे तो मैं भी नहीं गया डर के मारे। अभी मैं आया हूँ, पीछे का ही निकल जाती है भूल भुलैया। क्या डिजाइन है ये, किस चीज का डिजाइन है ये? भाई कुछ ना कुछ तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। क्यों नहीं सब मजा आ गया? तो मजा आ गया। तो आ गए हम लोग बात मानसिंह पैलेस के सामने है। यहाँ पे शाम के समय लाइट एंड साउंड शो होता है, जो कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ में है। ठीक है, ये पीछे ये कलर इसलिए किए गए हैं ताकि सुंदर दिखे लाइट। कॉर्ड से मिक्स करके बनाए गए हैं। और हम अब किधर जा रहे हैं? अब हम यहाँ पे आपको ग्वालियर का एक और व्यू दिखाते हैं। नहीं, इसके बाद कहाँ जाएंगे? सहस्त्र बहु मंदिर। हाँ, और उसका रास्ता ठीक सामने है। हम आए थे पहले, घूम के आए थे, कोई टिकट नहीं था। आप टिकट ले लिया, अब जाएंगे। हाँ, टिकट भी ले लिया है। ट्रेन की आवाज आ रही है, सामने स्टेशन भी दिख रहा है मेरे को। आधा ग्वालियर दिखाई देता है। यहीं पर वो दुनिया का गाना है, दुनिया पिक्चर। हाँ नहीं नहीं, दुनिया नहीं, लुका छुपी का दुनिया गाना है। यहाँ पर उसके कुछ सीन यहाँ पर भी शूट हुए हैं। यहाँ हम भी खड़े हैं, इस जगह का नाम है शास्त्र बाबू। शास्त्र बाबू का मतलब होता है हजार हाथों वाला। ठीक है, इसको समय के साथ शास्त्र बाबू का मंदिर कहने लग गए। लेकिन जो बड़ा वाला देखो वो खास का है, छोटा वाला दिखाओ वो बाबू का मंदिर है। ठीक है, 1093 में ये बना है। ब्रो मैं आगे चल, चलो यहाँ पे तुम पीछे कर। ये तुम्हें थोड़ा थोड़ा मिठावली पदावली से मैच खाते हुए दिख रहे होंगे। ऊपर भी चढ़ो, दिखाओ थोड़ा ऊपर का, चलाने चलते हैं। और ये दिखाओ, देख रहे हैं ब्यूटी। चेहरे समय के साथ डिप्लीट हो गए हैं, पर ये जो मूर्तियाँ हैं सब भगवान की मूर्तियाँ हैं। सारे सारे भगवान यहाँ पे। और यहाँ से सामने बहू का मंदिर भी दिखेगा तुम्हें। ये XRTC की कॉपी है, बस साइज में छोटा है। ठीक है, डिप्रेशन आ गया अभी तक चलते चलते। कहाँ से कहाँ तक चले? 4-5 किलोमीटर तो चल चुके हैं। हैं वो भी वहाँ से सास बहू के मंदिर से अभी यहाँ तक। भाई पहले दिमाग खराब हो गया, वो घूम के सामने गुरुद्वारा और ये तेली का मंदिर। भाई तेली के मंदिर पे हम सब बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों, पर यहाँ पे भीड़ नहीं है। लिटरली यहाँ पे कोई नहीं आता, फिर भी अपन फिर भी हम तो आ गए, आप लोगों को दिखाना है ना। तो ये क्या है भाई, बताना। तेली का मंदिर है ये। कुछ लोग थे जो तेल का व्यापार करते थे, उनके नाम पे है ये मंदिर। तेली का मंदिर, वो मेन सरसों का व्यापार करते थे, उनके तेल का व्यापार करते थे, तो उन लोगों को तेली कहते थे, तो उनका मंदिर है ये, उन्होंने बनवाया है ये मंदिर। तो प्रथम आपको ये पूरा मंदिर घुमाने वाला है। अरे भाई मैं थक गया यार, मैं घुमाऊंगा क्या? तू थक गया? दूरदर्शन का एनालॉग टावर, एक ही टावर है पूरे ग्वालियर में, दिखता है यही टावर। ठीक है, यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होता है। हाँ, और इसके बगल में दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। ठीक, इसके अंदर वीडियो बनाना मना है, तो अंदर दिखा नहीं सकते। वैसे तुम लंगर खाने आ सकते हो, यहाँ पे 24 घंटे चलता है। सेवा करने भी आ सकते हो, गाड़ियाँ भी चलती है सेवा की। नहीं तो हम खाना खा के आ गए, चलती का नाम है गाड़ी, लंगड़ खा के आ गए। हाँ भाई मजे आ गए। क्या था लंगड़ में? छोले चावल दाल रोटी। याद रखो यहाँ पे रोटी को, रोटी को प्रसादा कहते हैं, चाय को चा कहते हैं, और छोले कहते हैं। हाँ, और अपने बर्तन भैया खुद ही धोना। हाँ, नहीं तो गाड़ी खाओगे तुम। हाँ, मतलब में हाँ, दूसरों के धो सकते तो धो दो, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अपने तो धोना ही धोना। ठीक है, इधर से तुम्हें गुरुद्वारा। अब वापस जा रहे हैं गुरुभाई गेट पे,
वापस जाते हुए, गाड़ी नीचे खड़ी है, पेट्रोल खत्म है उसका। अभी पता नहीं कैसे धक्का मार के लेके आएंगे या लिफ्ट मांग के नीचे जाए, पता नहीं, कह नहीं सकते। और कुछ कहना चाहता है अपना आने वाला ब्लॉग कब किस बारे में होगा पता है? शायद ग्वालियर शहर के बारे में हमारा अगला ब्लॉग होने वाला है। ग्वालियर शहर में बहुत कुछ अभी देखने को, देखा ही गया है। हाँ।